के बाद एक महाराष्ट्र में सेंट्रल जांच एजेंसीज यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी की कार्रवाई जारी है। इस कड़ी में आज मंगलवार को आयकर विभाग की टीम ने शिवसेना की युवा सेना के पदाधिकारी राहुल कनाल के पुणे और मुंबई स्थित घर और ऑफिस पर छापा मारा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें लगातार राहुल के घर और दफ्तरों को खंगाल रही है और उनका फोन फिलहाल बंद आ रहा है। राहुल को पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे का करीबी बताया जाता है। यही वजह है कि इस मामले में अब एक बार फिर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो सकता है। शिवसेना नेता संजय राउत आज दोपहर 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। माना जा रहा है कि वे सेंट्रल जांच एजेंसीज को लेकर कोई खुलासा कर सकते हैं। आज की छापेमारी पर युवा सेना के प्रमुख आदित्य ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र पर पहले भी हमला हो चुका है, ये दिल्ली का आक्रमण है। यहाँ चुनाव होने वाले हैं। जब भी बीजेपी को महाविकास आघाड़ी सरकार से डर लगने लगा, तभी से यह सब शुरू है। बीजेपी का प्रचार तंत्र सक्रिय हो गया है। इन केंद्रीय एजेंसीज के आगे महाराष्ट्र झुकेगा नहीं, महाराष्ट्र रुकेगा नहीं। वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक आदित्य ठाकरे के करीबी राहुल कनाल शिरडी देवस्थान के ट्रस्टी भी है। आयकर विभाग की टीम उनके बांद्रा के भाभा अस्पताल स्ट्रीट पर बने 9 अल्मीडा बिल्डिंग पर यह कार्रवाई कर रही है। कनाल की इमारत के नीचे सीआरपीएफ की एक टुकड़ी तैनात की गई है। ये भी क्लियर नहीं है कि राहुल अपने घर पर है या नहीं, लेकिन उनका फोन नंबर बंद आ रहा है। आयकर विभाग की इस कार्रवाई का बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग या कोई अन्य जांच एजेंसी छापेमारी से पहले पूरी सबूत जमा करती है, इसके बाद ही वह छापेमारी करती है। आयकर विभाग को शायद कनाल के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी, इसलिए उन्होंने छापा मारा है। उन्हें सहयोग करना चाहिए,